स्टार्ट होगी। अभी हम लोग आज की जो हमारी चर्चा होगी वो इष्ट देवता के चुनाव पे होगी। केवल इष्ट देवता नहीं, वो कौन से देवी देवता हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो कौन से देवी देवता की हमें कब पाठ करनी है, किस मंदिर में हमें पूजन के लिए जाना चाहिए, कौन से देवी देवता का पूजन हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ कि हमें अपने लक को बढ़ाना है, इनसाइट्स को बढ़ाना है, और हम कोई ऐसे देवी देवता का चुनाव करना चाहते हैं जो हमें कहीं से गाइड दे, हमें हर तरह से जो है सपोर्ट उनका हमारी लाइफ में रहे, या ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनका हम किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम में आ जाए या जो हमारी इच्छा पूर्ति कर दें, सब देवी देवताओं की आज हम लोग चर्चा करेंगे। इष्ट चुनाव के साथ साथ इसको एक शब्द, एक चीज और देना चाहूंगा, वो सारी की सारी युक्तियां जो किसी भी समय में हमें प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम फेस करते हुए देखें, तो वो कौन सी युक्ति है जिससे किसी तरह के देवी देवता को प्रसन्न किया जा सकता है, और क्या करने से क्या चीजें डेवलप होती हैं, इसी के हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे देखें इष्ट देवता के चुनाव में जो मतलब भाव देखने हैं वो फर्स्ट हाउस देखना है, इष्ट देवता के चुनाव में जो भाव देखना है वो पंचम देखना है, इष्ट देवता के चुनाव में जो भाव देखना है वो नाइन्थ देखना, और इलेवंथ जो कि क्यों फर्स्ट क्यों, इलेवंथ जो है हर तरह की फुलफिलमेंट्स का है, इच्छा पूर्ति का, इसलिए इलेवंथ भी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्यों देखना है, फर्स्ट हम खुद होते हैं, फर्स्ट हमारे विचार हैं, चीजों को समझना, मस्तिष्क है फर्स्ट हाउस, हमारा शरीर है, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी फर्स्ट हाउस ही है, ठीक है। तो जिनको फर्स्ट हाउस अपना ट्रीट करना है कि परमात्मा की कृपा बनी रहे, हमारे दिमाग पॉजिटिव रहे, कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि हम कौन से पूजा पाठ करें जिसमें हम पॉजिटिविटी हमारे भीतर रहे, तो वो फर्स्ट हाउस है, शरीर में हमारे कोई तकलीफ ना है फर्स्ट हाउस है, ठीक है, और हमारा दिमाग कभी विकृत ना हो, तो दिमाग हमारा विकृत ना हो तो वो भी कहीं ना, मस्तिष्क विकृत ना हो वो फर्स्ट हाउस ही। फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का होता है, फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि है, हमारा चातुर्य है, हमारा ज्ञान है, और फिफ्थ हाउस ही एक ऐसा विषय है जो भाव है जो कहीं ना कहीं प्रेम को रिप्रेजेंटेट करता है, और फिफ्थ हाउस से हम लोग कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में भी जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते चले आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से ही हम लोग देखते हैं। नाइन्थ हाउस क्या होता है, नाइन्थ हाउस हमारे हर तरह, और फिफ्थ हाउस किसका है, फिफ्थ हाउस हर तरह के सॉल्यूशंस का भी है, जो हमें, हमने एक चीज अभी आपको बताया था ना, जब हम कोई काम करके बिना विचार किए कर लेते हैं और किसी भी तरह की विपत्ति में पड़ जाते हैं, या सब कुछ विचार के करके करें फिर भी किसी भी तरह की विपत्ति में चले जाएं, तो वहां से जो निकालने की जो मतलब, विपत्ति में चले गए, किसी प्रॉब्लम में चले गए, किसी बड़ी परेशानी में चले गए, जो वहां से निकालेगा वो भी हाउस होता है फिफ्थ, क्योंकि सॉल्यूशंस पांचवा भाव देता है। नाइन्थ हाउस क्या होता है, नाइन्थ हाउस होता है कि हमें कोई भी लाइफ में काम करना है, हम जिस भी काम में हाथ डालें वो काम में कभी हमें संघर्ष या असफलता प्राप्त ना हो, तो वो हाउस होता है नाइन्थ। इसीलिए पंचम भाव को सॉल्यूशन से जोड़ा जाता है और नवम भाव को गाइड से, एडवाइस से जोड़ा गया है, है ना, गाइडेंस से जोड़ा गया है, जिसको भाग्य का भाव भी बोलते हैं, और इलेवंथ हाउस हर तरह की इच्छा पूर्ति का है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के हिसाब से कैसे इस देवता का या किस भी देवी देवता की कैसी उपासना करनी है, किस देवी देवता की कैसी उपासना हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए ताकि हमें कोई रोग ना हो, है ना, हमारा दिमाग हमेशा पॉजिटिव में रहे, हमें, हम जिस भी किसी भी प्रॉब्लम में पहले तो फंसे नहीं, फंसे तो उससे तुरंत निकल जाए, हमें तुरंत सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाए, और किस ऐसे देवी देवता की कौन सी पद्धति को फॉलो करें कि कभी भी हम किसी प्रॉब्लम में ना खड़े हों, और जो भी काम में हम हाथ डालते हैं उसमें भगवान की कृपा और लक हमारा हमारे साथ खड़ा हो, और अगर हमारी कोई इच्छा है तो ऐसे कौन से देवी देवता का किस तरह से कर लें कि वो इच्छा हमारी किसी भी तरह से पूरी हो जाए। तो इसी की हम लोग आज इसमें चर्चा करने वाले हैं, इसी मतलब जो भी हमारा टॉपिक है। आपको पता है कि एक नंबर और आठ नंबर का स्वामी होता है मंगल, दो और सात का कौन होता है शुक्र, तीन और छह नंबर का स्वामी कौन होता है बुध, चार का चंद्रमा, पांच का सूर्य, ठीक है, नौ और बारह का होता है बुध, और कौन सा प्लेनेट हो गया, नौ बारह का बृहस्पति, नौ और बारह का बृहस्पति, और दस ग्यारह का कौन होता है शनि, है ना। तो इस तरह से राजस्थान स्वामी इस तरह से होते हैं। और एक चीज और अभी आप लोग लिख लो, पहले भी हमने आपको बोला था कि जो सबसे पहले सूर्य को लिख लीजिए, सूर्य किस ग्रह, किस देवी देवताओं से संबंधित है,
सूर्य किस देवी देवता पर प्रणाम करता है? सूर्य भगवान राम को, श्री राम को रिप्रेजेंटेट करते हैं, और जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं उनको भी रिप्रेजेंटेट करते हैं ना। चंद्रमा को भगवान कृष्ण से जोड़ा था हम लोगों ने, है ना, याद है सभी को। और बुध को हम लोगों ने नारायण से जोड़ा था, बृहस्पति को हम लोगों ने शिव से कनेक्ट किया था, और शनि को हम लोगों ने ब्रह्मदेव से कनेक्ट किया था, राहु को वराह जो अवतार था भगवान विष्णु का उससे कनेक्ट किया था, केतु को मत्स्य अवतार और श्री गणेश जी से कनेक्ट किया था, शुक्र को किसी भी तरह की देवी से विशेष तौर पर महालक्ष्मी से कनेक्ट किया था, है ना, और मंगल को हम लोगों ने हनुमान जी से और भगवान कार्तिकेय से जो है कनेक्ट किया था, और किसको किससे कनेक्ट किया था, बस हो गए सारे, हाँ इस तरह से थे। अच्छा इनसे क्यों कनेक्ट किया गया, मतलब ज्यादातर आप देखो सूर्य को जो है वो भगवान सूर्य से को जो है भगवान राम से कनेक्ट किया गया, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कॉन्फिडेंट का कारक ग्रह कौन सा है, सूर्य, और सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति किसी भगवान का अवतार सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट में रहा है तो वो भगवान श्री राम ही रहेंगे, जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी आत्मबल कितने धनी है, तो उन्होंने इतने बड़े मतलब सृष्टि के राजा को, जैसे रावण जो था जो कि पूरे के कहीं ना कहीं इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, इतनी बड़ी उसमें उसकी सामर्थ्य थी, और उनके पास कोई सेना नहीं, कोई बल नहीं, कोई चीजें नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं से इतना बड़ा चैलेंज जो था वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट के बल पे ही लिया। तो मतलब कहने का ये है, इष्ट देवी देवता जो भी भगवान बने हैं, जो भी लॉर्डशिप किसी भी प्लेनेट के हिसाब से किसी भगवान को या किसी देवी देवता को दी गई है, इसका मतलब केवल यही है कि वो पर्टिकुलर देवी देवता उन ग्रहों की पूरी एनर्जी को के स्रोत हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले देवता आते हैं, उनके बाद ग्रहों को रखा गया है शास्त्र के हिसाब से, तो ग्रह कभी बड़े नहीं है, उनसे बड़े देवी देवता हैं, उनसे बड़े भगवान हैं, है ना। तो हमेशा जिस भी और भगवान से ही कहीं ना कहीं ग्रहों की और सृष्टि की संरचना हुई है, तो इसीलिए ग्रह को सीधे के सीधे किसी देवी देवता से नहीं जोड़ना है। इष्ट देवता का चुनाव करते समय या कहने का मतलब ये कि किसी भी जो है देवी देवता का भगवान की उपासना की जो पद्धति होगी वो ग्रह से कनेक्टेड तो जरूर होगी, लेकिन ग्रह की जो वो पूरी पर्टिकुलर देवी देवता या भगवान स्रोत हैं उनसे विशेष कनेक्टेड हो जाएगी। बात समझ में आ गया, इसलिए सूर्य को भगवान श्री राम से कनेक्ट किया गया था, चंद्रमा को भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि चंद्रमा मातृ सुख को रिप्रेजेंटेट करता है, चंद्रमा जो है बलिष्ठ मन को रिप्रेजेंटेट करता है ना। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो कहीं ना कहीं जो है वो अब दो दो माताओं का उनको प्यार मिला अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, और भगवान श्री कृष्ण जो थे कहीं ना कहीं मन के मनोजयी थे, मतलब अगर उनके मन में कोई चीज आ गई थी तो उसको वो करके मानते थे। इसलिए जो चंद्रमा का पूरा और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र माना जाता है, इस तरह से जो चंद्रमा की पूरी एनर्जी के स्रोत बने वो भगवान श्री कृष्ण ही थे, इसलिए चंद्रमा को जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट किया गया है, बृहस्पति को भगवान शिव से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि बृहस्पति सबसे विराट प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह उसको माना जाता है नवग्रहों में से, और वो सबसे, और आप भगवान शिव को देखो तो सबसे विराट पर्वत पे रहते भी, जिसको हम लोग हिमालय बोलते हैं, पहली चीज। दूसरा गुरु जो है वो कहीं ना कहीं से उदारता को रिप्रेजेंटेट करता है, मतलब कहने का मतलब क्या, जो एक बार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला प्लेनेट है, जो नाराज भी हो तो इतनी बड़ी हानि नहीं देता, वो बृहस्पति ही है। तो भगवान शिव को बृहस्पति से कनेक्ट करके रखा गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भगवान शिव सबसे ज्यादा विराट है, भगवान शिव के पास सारी तरह की सामर्थ्य है लेकिन कभी उसका दिखावा नहीं करते, ठीक है, और भगवान शिव ही वो ऐसे भगवान शिव ही एक ऐसे मतलब देवता है या कि जो कहीं ना कहीं से सबसे उदारवादी माने गए। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं बल्कि शास्त्र ने जुपिटर को भगवान जो है वो शिव से कनेक्ट किया है बृहस्पति को। और अगर बुध की बात करें तो बुध में कहीं ना कहीं चातुर्य है, बुध में कहीं ना कहीं जो है वो बच्चा बनाए, बुध ही वो एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को जरूरत पड़ने पे जो बुद्धि और विवेक और चातुर्य का प्रयोग किया जाता है वो बुध से ही आता है। तो भगवान विष्णु जो है वो बुध के पूरे स्रोत है, क्योंकि आपको पता है बुध जो है वही सारी के सारी दिमाग का कारक है। तो जैसे ही आपको पता है देवताओं के साथ कोई छल हुआ, जो जो कहने का मतलब जो हम लोगों के समुद्र मंथन हुआ था,
उसमें जो काम करना था तो भी नारायण को सामने लाया गया, भस्मासुर का वध करना था तो भी नारायण को सामने लाया गया। जहां भी किसी भी तरह की चातुर्य की बात होती है, जहां भी किसी ज्ञान की बात होती है, जहां भी कहीं पे किसी तरह की बुद्धि की बात होती है, वहां नारायण को हमेशा रखा गया। इसलिए नारायण जो है वो बुध के बुध ग्रह के पूरे ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लियर है सभी को इतना अभी तक? इसके बाद मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है, मंगल जो है वो करेजियस का कारक है। मंगल है ही वो एक ऐसा ग्रह जो हर तरह के उद्यम और साहस को रिप्रेजेंटेट करता है, इसलिए मंगल को कहीं ना कहीं हनुमान जी से जोड़ा गया है। मंगल वाला व्यक्ति जो होगा, मंगल प्रभावित जो व्यक्ति होगा, वो एक सेकंड में निर्णय लेता है, और हनुमान जी ने भी जितने काम किए हैं वो सेकंडों में किया, मतलब बिना विचारे जो व्यक्ति काम करता है या जो व्यक्ति का भी काम होता है वो कहीं ना कहीं से मंगल ही करवाता है, मतलब एकदम से जो चीजें। अब देखो, जब आपको समुद्र पार करना था तो हनुमान जी ने एक क्षण भी, और सब दिमाग लगा रहे हैं, जैसे जामवंत कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और जो बाली का मतलब पुत्र था वो भी दिमाग लगा रहा था कि मतलब मैं जाऊंगा तो वो जो है रावण का वो पुत्र है वो मुझे मार सकता है, और जामवंत जी कह रहे थे जाने की तो ऊर्जा है आने की नहीं है। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि हम क्यों कारण ढूंढ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं। हनुमान जी से जब वो चीज कही गई तो हनुमान जी ने विदिन मतलब बिना विचार किए उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, जय श्री राम कहकर उड़ के चले गए। अब कौन सा संकट आया उसको वैसा वैसा उन्होंने सॉल्व किया, कौन सी समस्या आई वैसा वैसा सॉल्व किया। तो ये मंगल वाला जो व्यक्ति होता है वो बिना विचारे काम करने वाला होता है। इसलिए जो ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं इस पूरी की पूरी धरा पे, और जो चिरंजीवी हैं वो हनुमान जी आते हैं उसमें। तो हनुमान जी को मंगल ग्रह से कनेक्ट किया गया। मंगल जो है वो कहीं ना कहीं सेनापतियों का भी कारक ग्रह होता है, इसलिए देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय माने गए हैं, जो भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनको सेनापति बनाया गया है पूरे देवी देवताओं की सभा का या और भी चीजों का, और सबसे ऊर्जावान व्यक्ति वो माने मतलब सबसे ऊर्जावान भगवान माने जाते हैं। इसलिए भगवान कार्तिकेय को भी मंगल ग्रह से कनेक्ट किया गया। मतलब मंगल ग्रह की जो पूरी की पूरी ऊर्जा के स्रोत हैं वो हनुमान जी हैं और कार्तिकेय भगवान। बात क्लियर है सभी को? उसके बाद शनि की बात करें तो शनि कहीं ना कहीं से जो है वो ब्रह्म जो एक होते हैं ब्रह्म देवी देवता, उनकी तरफ जो है शनि को रखा गया। और इसी तरह कोई और बचा, वीनस जो है वो आपको पता ही है, वो हर तरह से जो है महालक्ष्मी जो है उन्हीं का कारक है, इसलिए वह वो लक्ष्मी का व्रत हो, चाहे किसी भी देवी जो उपासना का क्रम है वो कहीं ना कहीं से शुक्र से कनेक्टेड होता है, क्योंकि भोग विलास जो कुछ भी चीजें शुक्र से रिलेटेड हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देवी के रूप में उनकी उपासना की पद्धतियां बताई गई हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी मतलब शुक्र ग्रह का पूरा स्रोत जो है वो महालक्ष्मी मानी गई। और आप देखो भी वो जो भगवान है महालक्ष्मी का आप स्वरूप देखो तो पूरी तरह से वो पूरा का पूरा धन वैभव संपन्न ही, उनका पूरा का पूरा वेशभूषा भी वैसे ही है, आभूषण भी पूरा का पूरा वैसे ही है, तो कहीं ना कहीं से वहां महालक्ष्मी का पूरा कनेक्शन आ जाता है। केतु को मत्स्य अवतार से कनेक्ट किया गया और गणेश जी से कनेक्ट किया गया है। इसी तरह से राहु को वराह से कनेक्ट किया गया। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह का इस जो भी प्लेनेटरी प्लेनेट्स को किसी देवी देवता से पर्टिकुलर जोड़ा गया है किसी को कोई डाउट होगा। है किसी को कोई डाउट? माइक ऑन करके बोल दो। नहीं भैया, इतना क्लियर है सभी को? और एक बात याद रखिएगा, इस तरह से ही आपको इष्ट देवता का चुनाव करना है, क्योंकि जिस भी ग्रह की आप पूजा नहीं कर रहे हो आपको वो पर्टिकुलर देवी देवता बताना है जो उस ग्रह की पूरी ऊर्जा को लेकर के बैठा है। वो चाहे वो पर्टिकुलर देवी देवता चाहे तो ऐसे 50 ग्रहों को जन्म दे सकते हैं। बात आप मेरी समझ रहे हो? सृष्टि की रचना भगवान से हुई है, ग्रहों से नहीं हुई है, ग्रह बाद में आए हैं। बात आप समझ रहे हैं? इसलिए जो ग्रहों का पूजन, जो ग्रहों से सिंकेज निकालना है वो किसी देवी देवता का निकालना है, ना कि ग्रह से जुड़े हुए किसी जो है वो देवता का। बात आप समझ रहे हैं? और जो चीजें आती हैं वो देवताओं तक सीमित हैं, मतलब जो और चीजें आ जाती हैं जैसे बुध को गणेश जी से जोड़ दिया जाता है, ये भी चीजें हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है तो हम लोग उसको काटेंगे नहीं। लेकिन जब भी इष्ट देवता का चुनाव करना है, जब भी उस पर्टिकुलर किसी देवी देवता की हमें उपासना करनी है तो उसी की करनी है जो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के अनंत स्रोत है, उनकी उपासना हम लोगों को करनी। इसी क्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है 1 नंबर 8 नंबर का स्वामी मंगल, 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी कौन होता है? शुक्र। 3-6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9-12 का बृहस्पति, 10 और 11 का शनि।
तो अगर इनमें से कोई भी राशि फर्स्ट हाउस में पड़ जाए तो हमें क्या करना, फर्स्ट हाउस क्या होता है, हमारा शरीर, ठीक है, हमारा जो होता है मस्तिष्क। तो एक नंबर राशि हो तो हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए इस हाउस में, ये जो पहला भाव है शरीर, मतलब शरीर को कहाँ लेके जाए, बात आप समझ रहे हैं, तो शरीर को लेके कहाँ जाना है, मंदिर में, टेम्पल में। अगर आपके जैसे यहाँ आठ लिखा है, एक लिखा हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, ऐसे ही आठ लिखा हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए आप, मतलब आपको बॉडीली जाना चाहिए, अपने शरीर को लेकर के हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए अगर पहला जो भाव है उससे रिलेटेड। दो और सात नंबर अगर यहाँ पे पड़े, दो और सात नंबर, तो किसी देवी के स्थान पे, जैसे दुर्गा जी हो गई, महालक्ष्मी हो गई, उनके मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। जाने से क्या होगा, आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव मोड में रहेगा, आपको कभी कोई, आपका प्रश्न क्या है, आपको रोग ना हो कभी पूरी की पूरी लाइफ में, और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, ठीक है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, आपको शरीर में कभी कष्ट ना हो। तो आपको शरीर को कहाँ लेके जाना है, शरीर को लेके जाना जो भी राशियां यहाँ पड़ी हैं उन देवी देवताओं से जुड़े हुए मंदिर में। एक आठ हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दो सात हो किसी भी देवी की उपासना वाला जो मंदिर हो, देवी का कोई मंदिर हो वहां जाइए, तीन छह हो तो भगवान विष्णु जी का कोई मंदिर हो, उनसे अवतार से जुड़ा हुआ कोई मंदिर हो वहां जाइए। इसके बाद जो है यहाँ पे चार हो तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाइए, और पांच हो तो भगवान राम का पर्टिकुलर कोई मंदिर हो वहां जाइए, नौ बारह हो तो भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ लोग जो है परमठ जाते हैं तो जिनका नौ बारह है उनको कंपलसरी परमठ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दस ग्यारह आ जाए तो ऐसे लोगों को पीपल के वृक्षों के पास जरूर जाना चाहिए, वहां पे पीपल जलाने का या पूजन पद्धति करने का कोई नियम जरूर बनाना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को, शरीर कहाँ लेके जाना है, बुद्धि मस्तिष्क कैसे, थॉट पॉजिटिव कब रहेंगे, जब आप इस पर्टिकुलर देवी देवता से जुड़े हुए स्थान पे जाओगे तब आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे और शरीर आपका प्रॉपर वर्क करेगा। क्लियर है सभी को। पांचवा भाव किसका होता है, प्रेम का। पांचवा भाव जाप का होता है, तो किस, आपको अपनी लाइफ में कभी आप फंस जाओ भाई, आप सोल्यूशन तभी किसी से मांगोगे ना जब कुछ आप कुछ उनसे अटैचमेंट बना के रखोगे, है ना, कुछ बात भी हम उन्हीं के मानते हैं जिससे थोड़ा सा दिल हमारा लगता है, सबकी बात व्यक्ति नहीं मानता, उन्हीं की बात मानता है, उन्हीं की बात की कदर भी करता है जो दिल को जीतने वाले व्यक्ति होते हैं। इसी तरह जो भी देवी देवता पंचम भाव में आते हैं और हम किसी समस्या में फंस जाएं, किसी भी समस्या में फंस जाएं, तो वहां से जो निकालेगा वो पांचवें भाव से जुड़े हुए देवी देवता ही हमें निकालेंगे। तो पांचवा भाव होता है मंत्र जाप का। एक चीज और बता दूं, कोई आपसे पूछे किस देवी देवता के मंदिर में जाए, फर्स्ट हाउस पांचवें भाव से जुड़ा हुआ काम आ जाए, जिसको सोल्यूशन देना है, तो वहां मंत्र जाप से बेहतर कोई चीज काम नहीं करेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको आपको लगे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जो किसी बड़ी समस्या में घिर गए हैं, लोगों ने मना किया, लोगों ने बोला भी तो और वो समस्या में फिर भी घिर गए, तो उनको पांचवें भाव से जुड़े हुए देवी देवता का मंत्र जाप बताना है, ठीक है। और पांचवा भाव कहीं से पूर्व जन्मों के भी देवी देवताओं को रिप्रेजेंटेट करता है, इसलिए यहाँ पे अगर एक और आठ नंबर राशि हो तो हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है, उनसे आपके हृदय के संबंध होंगे, हनुमान जी को आप मानने वाले होंगे। दो और सात हो जाए तो देवी जी का कोई भी मंत्र जाप करें, चाहे जिस भी देवी देवी का मंत्र जाप करें। तीन हो, छह हो तो विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करना, मंत्र का जाप करना है, ठीक है। इसके बाद जो है चार हो तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप करना। उसके बाद जो है यहाँ पे पांच हो तो भगवान श्री राम की किसी भी मंत्र का जाप करना। जो मंत्र लेने की बात भी करते हैं, जो कहते हैं ना कौन सा मंत्र लें अपनी लाइफ में, तो उन यहाँ पे जिस भी देवी देवता की राशि आ जाए उससे जुड़ा हुआ मंत्र ही उनको अपनी पूरी जिंदगी में अगर लें तो कभी भी उनको मंत्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर, कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे नौ और बारह नंबर राशि पड़ी हो तो व्यक्ति को भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है, और अगर यहाँ पे दस और ग्यारह पड़ी हो तो किसी भी तरह के जो है ब्रह्म देवी देवता होते हैं, ब्रह्मो उपासना जिसको बोला गया है, उससे जुड़ा हुआ मंत्र जाप अगर करेंगे तो आपका काम बनेगा। कोई भी तांत्रिक मंत्र का भी जाप यहाँ पे किया जा सकता है। तो पांचवें भाव से कोई व्यक्ति समस्या में आ जाए, उसको कोई सोल्यूशन ना मिल रहा है, बहुत समस्याएं चल रही हो लाइफ में, तो हर तरह से अगर वो इन मंत्रों का जाप करेगा तो कहने का मतलब क्या है, उस समस्या से वो पर्टिकुलर निकल आएगा, ठीक है। नवम भाव किन चीजों का होता है, नवम भाव हमारी पूजन पद्धतियों का, धर्म का भाव है नवम, तो धर्म का भाव है, इसको कहीं ना कहीं रीडिंग से भी जोड़ा गया है। तो
तो नवम भाव से जुड़ा हुआ पाठ करने से आपको कोई चाहिए कि आप पूरी लाइफ में अपने कभी भी आपके संघर्ष पैदा ना हो, पूरी लाइफ आपकी बहुत अच्छे से चले, पूरी लाइफ में जो भी चीजों में आप हाथ डाल दो वहां पर भगवान की कृपा सदैव आपके पास रहे, और कोई गुरु रूप में आपके पास चीजें नहीं है, कोई इष्ट के रूप। अच्छा एक चीज और बताएं, पांचवा भाव जो है इष्ट का है, तो जिनको क्लियर हो जाता है हमारे कौन से इष्ट हैं तो उनको मंत्र भी करने की जरूरत नहीं, दिल लगा लिया काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब तक ये गुरु मिल जाए तो सारा शास्त्र का कोई पाठ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक ये चीजें नहीं मिल रही है आपको, जब तक ये चीजें नहीं मिल रही, जब तक आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर देवी देवता नहीं मिले जिन्हें हाँ आपका हार्टली कनेक्शन बन गया, जब तक आपको कोई सदगुरु लाइफ में नहीं आ गए, तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे जाप करना था ताकि हमें कोई पर्टिकुलर देवी देवता हमारे हृदय में मंत्र के रूप में जागृत हो जाए, और यहाँ पे क्या करना, उस पर्टिकुलर पाठ करना, ताकि शास्त्र को जब तक नहीं जानोगे तब तक गुरु को नहीं जान पाओगे, क्योंकि गुरु शास्त्र को लेकर के चलता है। कभी भी जो जितने भी तरह के गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो हमेशा शास्त्रोचित जीवन जीने वाले होते हैं। तो शास्त्र, अगर आपको किसी व्यक्ति की टेंडेंसी को पहचानना है, आपको जानना है वो टोटली स्पिरिचुअल है, तो आपको क्या करना होता है, आपको शास्त्र के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। जैसे आप गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, तो उसमें बताया गया है बड़े बड़े गुरुओं का परिचय क्या है, कैसे आप जानोगे कौन सा गुरु कैसा है। कोई माइक ऑन करके बोलेगा इस बात को, क्लियर है, मैं कोई अलग से तो कोई बात नहीं बोल रहा हूँ ना। कोई भी धर्म शास्त्र कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तभी आप सामने वाले को समझ पाओगे कि धर्म वास्तविक क्या है, तो उनकी टेंडेंसीज को देख के, उनकी थोड़ा सा फिलोसफी को देख के, उनके थोड़े से बिहेवियर को देख के हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति हमारे गुरु बनने के काबिल है कि नहीं, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे नवम भाव को हम लोगों ने शास्त्र से जोड़ा है, तो कौन से शास्त्र का पाठ करना है ताकि आपकी लाइफ में अच्छा गुरु एंटर कर जाए, है ना, कौन से शास्त्र का ऐसा पाठ करना है कि आपको किसी से कोई एडवाइस लेने की जरूरत ना पड़े, आपकी लाइफ अपने आप बढ़िया चले। क्योंकि जितने भी तरह के शास्त्र हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से बताया, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो भागवत हो, उन्होंने पूरा का पूरा लाइफ मैनेजमेंट बताया। और जिसको लाइफ मैनेजमेंट आ गया, जिसको धर्म के साथ चलना आ गया, वो पूरी की पूरी लाइफ में उसको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इसलिए इस भाव से जुड़े हुए पाठ करने से आपको वो पर्टिकुलर चीजें, वो किसी भी तरह की आपको, आप किसी भी जगह पर, आप किसी गलत जगह नहीं जा पाओगे कभी भी, जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम आपका हिट हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाथ में मिट्टी है या सोना है, कि व्यक्ति मिट्टी को भी हाथ लगा रहा है तो सोना हो रहा है, तो गॉड ग्रेस जो है, स्ट्रगल जो है, वो नाइन्थ हाउस के आगे खत्म हो जाता है। तो नाइन्थ हाउस में एक और आठ नंबर राशि हो तो आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, जिसमें सुंदर कांड आ जाता है और हनुमान चालीसा आ जाती है, तो उसका आपको नित्य पाठ करना चाहिए। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ ये शायद ही कोई बताए, ठीक है। तो मैंने आपको सारे जो वास्तविक भाव हैं इष्ट के वो सब क्लियर कर रहा हूँ बिना एनी एफर्ट्स। अब मैं बोल दूं चार मंत्र आपको दे दूं तो भी आप उतना नहीं कर पाओगे, मैं चार मंदिरों का चक्कर बता दूं तो भी आप उतना नहीं कर पा रहा हूं। मैंने जो थोड़ी सी ऑब्जर्व करी है चीजें वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं कि आप अपने ट्राइंस को कैसे पूरी तरह से जागृत रखो, ठीक है। फर्स्ट हाउस को देख लो, क्योंकि शास्त्र यही बोलते हैं फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ के हिसाब से आपको इष्ट का चुनाव करना चाहिए, बात आप समझ गए। लेकिन मैं एक आपको बात बोल रहा हूं कि तीनों का भी हम कुछ ना कुछ करते रहें तो कभी भी ये त्रिकोण हमें कोई दिक्कत नहीं देंगे, है ना। तो त्रिकोण से ही सब प्रॉब्लम आती है, नौकरी छूटेगी जब पांचवा भाव ऑपरेट कर रहा होगा, तो अगर आप मंत्र जप कर रहे हो कभी भी नौकरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नौकरी को, नौकरी से बारह भी आप लोगों ने केपी पढ़ाया आपको पता है किसी भी भाव से बारहवां भाव उस भाव की हानि करता है। तो जिनकी भी नौकरी छूटती है ना उनका पांचवा भाव ऑपरेट करता है, और आप पहले से ही पांचवा पकड़ के रखे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो जाप के माध्यम से, तो कभी भी नौकरी में कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, नौकरी छूटेगी नहीं एकदम से, जो से भी जितना पैसा चाहोगे कभी आपका पैसा फंसेगा नहीं, ठीक है। और नवम भाव यहाँ किसको खराब करता है, आपके स्टेटस को, आपके कामकाज को प्रभावित करता है। जिनका नवम भाव ऑपरेट करता है लाइफ में उन्हीं के कामकाज में, स्टेटस में प्रॉब्लम आती है। जो व्यक्ति नवम भाव से जुड़ा हुआ उपाय करता रहता है उसका दसवां भाव कभी भी प्रॉब्लम उसको नहीं देता। और आप देखो एट्थ का आगे का भाव है और ये चौथे का जो है आगे का भाव है, तो इस भाव की पूर्ति, सुख समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए तो उसको पूरा कौन कर रहा है, पांचवा भाव। यहाँ पे आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको कौन पूरा कर रहा है, नवम भाव। और आप देखो ये बारहवां भाव है, आपके पॉजिटिव एक्सपेंसेस हो तो पॉजिटिव जब सोच पाओगे
पॉजिटिव दिमाग रहेगा तभी पॉजिटिव एक्सपेंसेस कर पाओगे। तो ये इन्हीं चीजों से व्यक्ति अपने लाइफ में परेशान है, इन्हीं चीजों को चाहता है। नौकरी छोड़ना कोई नहीं चाहता, पांचवा भाव। सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब चाहते हैं, पांचवे को अपलिफ्ट करिए। प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता तो नवम को अपलिफ्ट करिए। नौकरी पदों में कोई तरह की हानि कोई नहीं चाहता, नाइन्थ को अपलिफ्ट करिए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके पैसा जो है गलत जगह खर्चा हो या ज्यादा खर्चा हो, तो हानि कोई नहीं चाहता। तो किसको उसके अगले भाव की पूर्ति करता है, तो आपकी टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी नहीं है तभी तो हॉस्पिटल में जाओगे, जब हेल्थ अच्छी है तो हॉस्पिटल में क्यों जाओगे, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया। हाँ, तो मैं जो इष्ट क्यों बने ऐसे, इष्ट इसीलिए बने क्योंकि ये बारहवें भाव को या इसके बारहवें भाव को जो है वो खत्म कर रहा है और इस भाव की पूर्ति कर रहा है, इसलिए फर्स्ट हाउस इष्ट का हो गया। पांचवें भाव को इष्ट क्यों बनाया गया, क्योंकि हर व्यक्ति सुख समृद्धि ऐश्वर्य चाहता है और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता पैसा दे, उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की शत्रुता रहे, किसी भी तरह का रोग ने उसको फेस करना पड़े, इसलिए पांचवें को उठा दिया। नवम भाव को क्यों इष्ट का भाव बनाया गया, क्योंकि वो इष्ट की पूर्ति कर रहा, परेशानी में आओगे तो निकालेगा कौन, नवम भाव। और अगर जिंदगी में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और अच्छा काम करना है, अच्छा नाम करना है, तो उससे आगे कौन बढ़ाएगा, उसको जो है कमजोर करता है नवम भाव। तो नवम भाव आप पहले यूटिलाइज करके चल रहे हो तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी भी ये भाव की हानि नहीं होगी। बात आप समझ रहे हो, क्लियर है सभी को, इतना हो गया, समझ में आ गया। और इसी तरह जो है फर्स्ट हाउस की पूर्ति कौन करता है, सेकंड हाउस, है ना। तो पूर्ति वाले भी चीजें आप अपने आप कर रहे हो और उनके जो निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको भी आप खत्म कर रहे हो। और बात क्लियर हो गई इतनी सभी को, इष्ट वाले भाव ये क्यों बने, क्लियर है। जी भैया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नवम भाव में कौन कौन सी राशि हो तो किसका पाठ करना चाहिए। तो एक आठ हो तो हनुमान जी का पाठ करें, एक और आठ हो चाहे हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ लें। देखो चीजें जो मैं बता रहा हूं आप अपने दिमाग में डाल लो, चाहे बहुत बड़े मंदिर जाओ फर्स्ट हाउस अगर आ रहा है, चाहे बगल का ही कोई मंदिर हो वहां जाओ फिफ्थ हाउस आ रहा है, चाहे दस माला करो, चाहे एक माला करो, चाहे दस बार ही क्यों ना जप दो तो भी वही काम हो गया। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी इज मैटर। आपने नियम बना लिया ना, चाहे एक भी माला करने का या दस बार भी बोलने का उस पर्टिकुलर देवी देवता, तो जरूरी नहीं है वो नियम, जब वो चीजें परिपक्व होना चालू होंगी अपने आप वो बड़े मतलब स्कोप में हो जाएंगी। लेकिन आपके अगर दिमाग में एक चीज आ गई कि मुझे मंदिर जाना है, तो जरूरी नहीं आप परमठ, आपके घर से 20 किलोमीटर है तो वहीं जाना है, या बनारस ही आपको दर्शन करने जाना है बार बार, ठीक है। वो भी हम आपको आगे बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंग का कैसे किया जाता है। लेकिन अभी आपके समझ में जो चीजें हैं वो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपको जरूरी नहीं है अगल बगल ही कोई मंदिर ढूंढ लो उस देवी देवता से रिलेटेड। हेल्थ इश्यूज कभी नहीं आएंगे, पैसे को निगेट कौन करता, फर्स्ट हाउस पैसा हमेशा जुड़ता रहेगा, भगवान की कृपा से कभी भी दूसरे भाव से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी नहीं। 12th हाउस आपका हमेशा बैलेंस मोड में रहेगा, इधर आ जाएगा, रोग में शत्रु हावी नहीं होंगे, नौकरी कभी छूटेगी नहीं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपके पास आता रहेगा। नवम भाव किसका, प्रॉब्लम कभी लाइफ में रहेगी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उससे आसानी से निकल जाओगे, स्टेटस की कभी हानि होगी नहीं, यही तो आदमी को अपनी लाइफ में चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई दूर का ही 20-25 किलोमीटर ही दर्शन करने जाना है, कोई अगल बगल का भी उस देवी देवता से पर्टिकुलर मंदिर ढूंढ के चले जाने लगोगे, नियम बना लोगे तो भी काम हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ मंत्र जब चाहे 10 बार भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी पाठ छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई। एक आठ हो हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए या संकट मोचन पढ़िए, जो भी हनुमान जी से रिलेटेड पाठ पूजाएं हैं उनको करिए, सुंदर कांड सबसे बेस्ट रहेगा करना। दो और सात हो तो किसी भी जैसे दुर्गा सप्तशती का आप लोग पाठ कर सकते हैं, ठीक है, या देवी जी का कोई भी स्रोत, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम कनक धारा स्रोत पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम जो है दुर्गा सप्तशती के इस चीज का पाठ कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम इसका पाठ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम इसका पाठ कर रहे हैं। तो भागवत देवी जी की कोई भी जुड़ा हुआ पाठ हो, जैसे लोग वैभव लक्ष्मी का भी पाठ करते थे, तो वो सारे के सारे लोग अगर दो और सात हो तो देवी जी से जुड़ा हुआ कोई भी पाठ आपको करना चाहिए। तीन छह आ जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत
गीता इसका आप लोग पाठ कर सकते हैं, 3 और 6 आ जाए तो, या भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ कोई भी छोटे से छोटा भी पाठ आप अगर करेंगे तो भी आपको सेम ही चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। टाइम ज्यादा हो ज्यादा कर लीजिए, कम हो कम कर लीजिए, जैसा आपका बजट बने, जैसा टाइम का सदुपयोग हो उसी हिसाब से काम करिए। इसके बाद 4 हो तो भगवान श्री कृष्ण का जो मेन स्रोत बन जाता है वो बन जाता है कौन सा, गीता। गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का कोई कवच पढ़ सकते हैं प्रतिदिन, या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो। और कुछ ना समझ में आए तो कम से कम आरती ही पढ़ देना एक बार, कुछ ना समझ में आए, हर चीजें बड़ी लगे तो एक बार आरती भी पढ़ देने से वो चीजें हो जाएंगी आप, ठीक है। 5 पढ़ा हो तो राम रक्षा स्रोत पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी जो सबसे छोटी चीजें लगे हैं, भगवान श्री राम की आरती या रामायण की आरती भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें टाइम सीक्वेंस क्या रखना है, ये आपका मैटर है। लेकिन उतनी भी चीज अगर केवल करोगे तो भगवान कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, आपका फिर भी वो हाउस यूटिलाइज होता रहेगा। इसके बाद जो है 9 और 12 आ गया तो भगवान किस कौन कनेक्टेड होगा, शिव। तो शिव सहस्र नाम, शिव चालीसा, है ना। और जो है शिव से रिलेटेड कोई भी शिव तांडव स्रोत, रुद्राष्टकम या कुछ ना समझ में आए तो भगवान शिव की आरती इतना भी करोगे तो भी काम चलेगा आपका। 10-11 आ जाए तो किसी भी शनि रक्षा स्रोत पढ़ लो, शनि का कोई स्रोत पढ़ लो, है ना। और जो है किसी भी तरह का वो पूजन पाठ कर लीजिए जो थोड़ा तंत्र से बिलोंग करता हो। तो अगर यहाँ पे 10 और 11 नंबर राशि पड़ी हो, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब जो सबसे बड़ी बात होगी वो 11th हाउस की बात होगी। 11th हाउस जो है वो कुंडली का सबसे बेहतर है, मतलब आज की डेट में सब व्यक्ति को चाहिए कि हमारी कोई इच्छा पूरी होती रहे, पंडित जी और कुछ हो चाहे ना हो। तो मैंने जितने भी लोगों ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में मनौती मानी है और वो मनौतियां पूरी हुई है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से 11th हाउस से रिलेटेड ही व्यक्ति थे। मैं भी आपको एक कुंडली दिखाता हूँ तुरंत, स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? एक अभी कुंडली लाइव दिखाता हूँ आपको, भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें है नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर में है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक लोग आई थी, बोली मेरे पति जी जेल में जाने वाले थे, जेल चले गए थे, ठीक है। जेल जाने के बाद मतलब वो चीजें मैंने उनको खुद बोल दिया था कि आपने इस देवी देवता से जुड़ी कोई मनौती मांगी। यहाँ पे 10 और 11 नंबर था, 10 और 11 नंबर किसका हो गया, शनिदेव का। तो हमने उनसे पूछा था, हमने कहा किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाके या कोई भी ब्रह्मदेव का स्थान हो वहां पे जाके आपने कोई अपने पति के लिए कोई मनौती मांगी थी क्या? तुमने बोला हाँ पंडित जी, घंटाघर में बहुत प्राचीन मंदिर है, वहां पे जाके मैंने बोला था मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको घंटा चढ़ाऊंगी। हमने कहा चढ़ाने गई आप? बोली नहीं चढ़ाने गए। मतलब क्या है, 11 मतलब इस 11th हाउस में जिस भी ग्रह की राशि पड़ेगी, कभी एकदम से प्रॉब्लम में आ जाना या कोई लाइफ में विश चल रही हो वो पूरी ना हो तो 11th हाउस को सीधे पकड़ लेना, और उससे जुड़े हुए भाव की आप जब भी मनौती मांगोगे तो वो काम आपका पूरा जरूर होगा। इसलिए मनौती वाला जो भाव हमने देखा है या हर तरह की इच्छा पूर्ति का जो भाव है, इतना भी ना कर पाना, अगर इतना भी ना कर पाना मतलब फर्स्ट भी ना पकड़ पाना, ये भी ना पकड़ पाना, ये भी ना पकड़ पाना, इनमें से कोई ना कर पाना, तो 11th हाउस तो अपनी लाइफ में कम से कम पकड़ ही लेना। जो भी 11th हाउस में राशि यहाँ पड़ेगी उससे जुड़े हुए देवी देवता हमेशा आपकी इच्छा की पूर्ति करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, वही आपको आपकी लाइफ में सब कुछ देंगे। नीतू जी की कुंडली में देखें 11th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, 11 नंबर शनिदेव की राशि। कभी भी आप कोई भी मेजर प्रॉब्लम में फंस जाना, शनिदेव से कोई भी अर्जी जाके पीपल के पेड़ के पास, ब्रह्मदेव जो भी हो आपका, अगर लगे कोई भी कहीं भी कोई सोल्यूशन ना दिख रहा हो, कर लेना एक बार आप ट्राई कर लेना, कोई भी मनौती कर लेना। आपने करी है कभी नीतू जी कोई मनौती मांगी है क्या शनिदेव? हाँ भैया की है, पीपल के पेड़ के पास ब्रह्मदेव से जाके, है ना।
ब्रह्मदेव से मतलब कहा था पीपल के पेड़ पर मनौती मांगी थी, नहीं शनि सिग्मापुर गए थे वहीं पे, शनि सिग्मापुर जाके कोई मनौती मांगी थी, पूरी हुई थी? पूरी जरूर होगी। उर्वशी जी, आपको जब भी प्रॉब्लम लगे आप भगवान विष्णु के मंदिर जाके कोई भी इच्छा प्रकट कर देना, उनसे जुड़ा हुआ मनौती मान लेना, आपके वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है मनीष जी, आपकी कुंडली में भी 3 नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु जी जुड़ गए, तो आप भी भगवान विष्णु से जुड़े हुए मंदिर में जाके या उनसे जुड़ा हुआ कभी भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आए उनसे मनौती आप मांग लोगे। अन्य देवी देवता, मतलब एक शब्द आपने हनुमान चालीसा में सुना है ना, और देवता चित्त न धरें हनुमत से सर्व सुख करें, सुना है ना आपने, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, वहां हनुमान चालीसा की बात है, यहाँ ग्यारहवें भाव की बात है। ठीक है, तो ग्यारहवें भाव से जुड़ गए अगर आप, किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या लाइफ में आ गई और आपने ग्यारहवें भाव में जो राशि पड़ी है, जैसे 1-8 पड़ जाए तो हनुमान जी के मंदिर में जाके मनौती मांग लीजिए, 2-7 पड़ जाए तो किसी भी देवी जी के मंदिर में, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर के कोई मनौती मांग लीजिए, 3 और 6 आ जाए तो बुद्ध से मतलब भगवान नारायण से जुड़ा हुआ कोई मंदिर में जाकर के मनौती मांग लीजिए, इसी तरह से 4 आ जाए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, लड्डू गोपाल से आदमी अपनी बातें करने लग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े बड़े मंदिर है वहां लोग चले जाते हैं, उनसे कोई भी मनौती मांग आई 100% जिस व्यक्ति की अगर कोई बोलेगा मैंने ये मनौती मांगी है, केवल 11th हाउस की राशि पकड़ना बोलना इन देवी देवताओं से मांगी है, तो वो खुद हाँ बोले, वही मनौतियां पूरी होंगी जिनकी राशियां यहाँ पे पड़ रही होंगी। 5 नंबर आ गया तो भगवान श्री राम के मंदिर चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है 9-12 आ जाए तो भगवान शिव के मंदिर में जाने से मनौती कोई भी मांगे व्यक्ति पूरी हो जाती, और 10-11 जैसा कि मैंने फिर आपको बताया कि 10-11 वाला जो है वो ब्रह्मदेव का आ जाता है, वो शनि सिग्नापुर आ जाता है, वो चीजें आ जाती हैं, तो उनका भी उनसे भी मनौती मांगने से आपकी वो पर्टिकुलर चीज जो कहीं से भी आपका काम नहीं बन रहा है, कहीं से भी एकदम से प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी आ गई हो गई, और कोई देवी देवता के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, इस भाव को पकड़ लेना, ये सारी आपकी इच्छा पूर्ति कर देगा। इतना ही नहीं, आप इनमें से जो मैंने चीजें बताई ना कर पाना, इनमें से जो बताई चीजें ना कर पाना फिर भी अपनी लाइफ में सब कुछ चाहना, ये सब चीजें तो अपने आप दे देंगी। 5th हाउस पकड़ लिया, सुख समृद्धि अपने आप आएगी, आपको कोई चीट नहीं कर पाए। मैंने देखा जितने लोग मंत्र जाप करते हैं उनका घर, उनका कद, उनके घर में कभी भी सुख की कोई कमी नहीं होती है, और चाहे 10 साल में आदमी दे पैसा वापस करने जरूर जाता। मैंने खुद अपने लाइफ में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं, क्योंकि 6th हाउस को नेगेट कौन करता है? 5th हाउस, और 4th भाव की पूर्ति कौन करता है? 5th हाउस। अगर 5th हाउस पकड़ लिया आप लोगों ने, किसी ने भी, 4th हाउस अपने आप अपलिफ्टेड हो जाएगा, जिंदगी में कभी भी कमी नहीं रहेगी, और 6th भाव की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 6th भाव और किन चीजों का? रोग, ऋण, शत्रु का, जो 6 दोष शास्त्र में बताए गए, 6.5 दोष बताए गए ना, वो भी कहीं ना कहीं 6th भाव से ही आते हैं, उनको भी हर तरह से निगेट कर देता है 5th भाव। तो किसी तरह का दुर्गुण लाइफ में नहीं रहेगा, और हर तरह का कंफर्ट, लग्जरीनेस आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। उदाहरण, वो सारे के सारे साधु संत देख लो, वो सारे के सारे साधु संत देख लो जो दिन भर माला करते रहते हैं, और उनकी जो है किसी भी तरह की लग्जरी में कोई कमी नहीं होगी। इसी तरह से पाठ पूजन में आ जाइए, कभी भी किसी तरह का संकट खड़ा नहीं होगा अगर आप इस भाव से जुड़ा हुआ पाठ कर रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आपको पता भी है जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, चाहे प्रीस्ट हों, चाहे गाइड करने वाले हों, चाहे एडवाइस करने वाले हों, चाहे स्पिरिचुअल लीडर हों, उनका स्टेटस आप देख सकते हो जाके कितना होता है ना, जितने भी गाइडर हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनका स्टेटस आप केवल जाके देखो। ठीक है, उन्हीं को स्टेटस लाइफ में मिला है जिन्होंने 9th हाउस को अपने बैलेंस करके रखा, और 9th हाउस नहीं तो जब जब आएगा तब तब बैंड बजाएगा, ये चीज चली जाती है आपकी 10th हाउस, और 10th हाउस की भी जो पूर्ति कर देता है, 10th हाउस को भी जो निगेट कर देता है, वो कहीं ना कहीं से जो है वो कौन सा हाउस है? 7, 11वां। और 1st हाउस कौन कौन सा होता है? 1st हाउस आपके 2nd हाउस की, 2nd हाउस कहने का मतलब 2nd हाउस के निगेशन को दूर करता, सेविंग तभी नहीं होगी जब 1st हाउस आपका ऑपरेट कर रहा होगा। केपी में भी आप लोग पढ़ोगे, लेकिन जैसे ही आप 1st हाउस की रेमेडी करने लग जाते हो, पैसा अपने आप सेव होना लग जाएगा आपके पास में, फैमिली से रिलेशन अच्छे बनने लग जाएंगे, आप कभी भी जो है इगोस्टिक नहीं हो पाओगे।
और ट्वेल्थ हाउस का जो है वो ट्वेल्थ हाउस का सपोर्ट करता है। तो कभी भी पैसा जो है पानी की तरह नहीं खर्चा करोगे, सोच समझ के पैसा खर्चा करने वाले होगे। दूसरा, कभी भी रोग आपको नहीं घेरेगा। तो आज की क्लास अच्छी रही आपके हिसाब से, क्योंकि और भी नई नई चीजें थी जो मैंने इसमें डालने की कोशिश करी थी, और मुझे लगा ये वीडियो जो है आपके बड़े काम आएगा, आपके ही नहीं आपके माध्यम से और भी लोगों के काम आएगा। ठीक है, क्लियर जी भैया। इसी तरह से इष्ट देवता का चुनाव करना है हमें, इष्ट देवता का उस चुनाव करते समय इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, क्लास ओवर करें। ठीक है भैया। अरे भैया मंत्र भी बता देते, मंत्र भी बता देते रिलेटेड। मंत्र बता दें तो बता देते हैं उसको, तो बता देते हैं मंत्र भी बता देते हैं। फर्स्ट हाउस मतलब एक और आठ नंबर राशि हो तो हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप करे, हनुमंते नमः सबसे छोटा है ना। और दो और सात नंबर हो तो ओम दुर्गाय नमः या दुर्गा जी का कोई भी मंत्र हो, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, ये सब मंत्र आपको नेट पे मिल जाएंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो उसमें ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तीन और छह आ जाए, तीन और छह तो नारायण के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह का है ना, उससे रिलेटेड मंत्र। तो खैर इससे देखना है, मंदिर यहाँ से पता है, मंत्र तो यहाँ से जाप करना है ना। उसके बाद जो है चार आ जाए तो श्री कृष्ण का जाप कर सकते हैं। ओम है एक श्री कृष्ण का बहुत छोटा सा मंत्र है, तो वो आप नेट पे सर्च कर लेना श्री कृष्ण के मंत्र, तो वो आपको चार छह दस मिल जाएंगे। आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद जो है, इसके बाद पांच नंबर आएगा तो भगवान राम का मंत्र कोई भी जप, राम जी का कोई भी मंत्र हो उसको आप जप सकते हैं, है ना। राम जी के बाद जो है फिर आ जाए नौ और बारह तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र है ना, या कोई भी ऐसा मंत्र जो भगवान शिव से कनेक्टेड हो वो आप जप सकते हैं। और यह दस ग्यारह आ जाए तो शनि देव का कोई ओम शनिश्चराय नमः ही जप लो, चाहे कोई ब्रह्म देव का कोई मंत्र हो जाए या कोई तांत्रिक मंत्र भी जपने से आपका कल्याण हो जाए। बात समझ में आ गई? तो उनको वही चीजें पकड़नी है जो इस भाव से जुड़े हुए चीजें, और तांत्रिक मंत्र भी बहुत अच्छा असर करते हैं, हमने ज्यादातर लोगों को देखा है। अभी मैं बाद में बताऊंगा, जैसे देवी को भी देना है, सपोज देवी भी किसी को देनी है, और तो वहां पे अगर मान लो यहाँ पे दो नंबर या सात नंबर राशि पड़ी है सपोज, तो देवी आ गए साथ में शनि आ गया, तो कौन सी देवी आ गई, तांत्रिक देवी आ गई। तो जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी आपको आगे स्टेप और बता दे रहा हूँ इसी में, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं प्लेनेट को। अब आप कहोगे ना कोई प्लेनेट बैठा है क्या वो कोई इफेक्ट नहीं देगा, है ना। तो राशि के लॉर्ड को पकड़ा, प्लेनेट को कैलकुलेट किया, तो वहां पर उनके मुंह से निकल गया तुम बगला देवी की उपासना करो। बंगला मुखी देवी के नाम सुना है? बंगला मुखी एक देवी होती है, वो तंत्र में भी उनका प्रयोग होता है और पॉजिटिव में भी एक्ट करती है। तो मैंने ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को सुना, तो उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है। यहाँ दो और सात नंबर राशि पड़ी और शनि पड़ा हो तो दो और साथी का मतलब क्या हो गया, कोई देवी है ना, और कोई देवी, कोई देवी, कोई देवी, कोई देवी का मतलब क्या हो गया, देवी कौन सी होंगी, कोई देवी का मतलब क्या हो गया, देवी कौन सी होंगी, शनि से जुड़ी हुई, तंत्र से जुड़ी हुई कोई भी देवी, उनकी उपासना, उनका मंत्र जप कर सकते। इसी तरह से सपोज यहाँ पे राहु बैठा हो, राहु दुर्गा जी का रिप्रेजेंटेट करता है, हमने आपको लिखवाया था राहु की जो इष्ट है वो दुर्गा जी है ना। तो मान लो दो और सात नंबर राशि हो, यहाँ पे राहु बैठा हो, तो किसकी उपासना करनी चाहिए, देवी जी की उपासना करनी है। कौन से देवी की, दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं। शुक्र बैठा हो तो महालक्ष्मी की कर लो, है ना। सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो, काली जी की उपासना कर सकते हैं। बात आप समझ ना, इस तरह से चीजों को थोड़ा कैलकुलेट भी करना, होमवर्क भी थोड़ा ले लो, कि और भी ये चीजें ऐसे ही काम आ जाएंगी। मतलब जरूरी नहीं प्लेनेट देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, राशि वाइज भी जो भी देवी देवता पकड़ लोगे वो भी आपका सीधे काम कर देंगे, वो भी आपका जो है वो सीधे काम कर देंगे। लेकिन उनसे अगर थोड़ा सा कनेक्शन और बना लिया तो और मजा आ जाएगा लाइफ में। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? जी नहीं भैया, स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, स्क्रीन दिखा देते हैं। अभी दिखाता हूँ स्क्रीन आपको एकदम तुरंत। पांचवा भाव अब दिख रही स्क्रीन? स्क्रीन आ रही है? अभी तो नहीं आई। हाँ तो हम यही कह रहे थे ना कि पांचवा भाव में मान लो यहाँ पे राशि पड़ी है दो और सात, यहाँ पे शनि देवता बैठ गए, तो शनि का रंग क्या है, काला। कौन सी देवी आ गई, काली। पूजा किसकी करनी, काली देवी की उपासना करो। पास में आ गया?
है ना। इसी तरह से आप और भी चीजें आगे चल के कैलकुलेट कर लो, थोड़ा दिमाग लगाओ। राहु आ गए तो किस देवी की उपासना करनी है, दुर्गा जी की, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। मंगल आ गए तो किसकी करेंगे, किस देवी की उपासना करेंगे, मंगल भैया हनुमान जी की करेंगे, हनुमान जी की तो करेंगे। मान लो यहाँ पे 2 और 7 नंबर राशि हो तो देवी जी की उपासना करोगे, है ना। और यहाँ मंगल, और यहाँ मंगल बैठ जाए तो क्या करोगे, तो ये चीजें हम आपको बाद में थोड़ा सा बताएंगे। और बगला मुखी जो है कहीं ना कहीं से पीताम्बरा भी होती है, पीले रंग होता है उनका, पीले रंग। तो अगर यहाँ जुपिटर भी हो और यहाँ 2 और 7 नंबर राशि पड़ी हो तो भी बंगला मुखी की उपासना करी जा सकती है। 10 और 11 के केस में सॉरी काली जी की उपासना करनी चाहिए। बात आप समझ रहे हैं, इस तरह से भी चीजें कनेक्ट होती हैं। वो बाद में आपको क्लू दे दिया अभी के लिए, क्योंकि बाद में आप लोग कभी क्वेश्चन करोगे कि यहाँ पे ग्रह किस तरह से वर्क करते हैं, उनको भी होना चाहिए उसमें, और कैसे कैलकुलेट करके दे सकते हैं, तो वहां पे वो चीजें काम आ सकती हैं आपको, ठीक है। बता रहा हूँ ना, ज्योतिष में जितना डूबोगे उतना मजा आएगा, तैरना लेकिन बस आ जाए आपको, हम तैरना ही सिखा रहे हैं। गहराई में कितना जाना है वो आपको अपने तरफ से निर्धारित करना पड़ेगा। हम तो आपको तैरना सिखा रहे हैं कि आपको एफर्ट्स कैसे करने हैं, छलांग कौन कौन सी मारनी है, कितने डीप में जाना है, ये हर स्टूडेंट का अपना अपना पैटर्न होता है, हर स्टूडेंट की अपनी मेहनत होती है। बात आप समझ रहे हैं, कितने अंदर तक जा सकते हो वो आपका स्टेमिना डिसाइड करेगा, वो हमारी नॉलेज से हमें पता होने से वो चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी। बात आप समझ रहे हैं, तो इस तरह से चीजों को निर्धारित करना है आपको, ठीक है। बात क्लियर हो गई, तो आपसे पूछे फर्स्ट 5 और 9 के स्थिर क्यों होते हैं, आप बता दोगे, ये 12 की पूर्ति करता है, 9 सेकंड को निगेट होने से बचा देता है, सेकंड को कोई निगेट करेगा तो फर्स्ट की करेगा सबसे पहले, है ना। 4th की पूर्ति कोई करेगा तो 5वां करेगा, और 6th को कोई निगेट करेगा तो 5वां भाव भी करेगा। 8th की कोई पूर्ति करेगा, 8th से कोई निकालेगा तो 9th हाउस निकालेगा, और 10th को निगेट हो जो करेगा वो 9th हाउस करेगा। इसने 9th को पकड़ लिया तो 2 भाव अपने आप पकड़ में आ गए, 5th को पकड़ लिया ये 2 पकड़ में आ गए, इसको पकड़ लिया ये 2 पकड़ में आ गए, बचा कौन था, बचा ये था, इसको भी पकड़वा दिया, इसको पकड़ लिया तो भी सारी चीजें अपने आप पकड़ में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि सारे भावों को पकड़े रहिए, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें करते रहिए, आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो प्रॉब्लम आएगी भी तो वो तत्काल सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो ये रोग का भाव है, रोग को निगेट कौन करता है, 5वां भाव। कोई रोग आएगा, आप कोई मंत्र जप कर रहे हो सकता है उस मंत्र जप के प्रभाव से वो रोग उतने स्ट्रेंथ के साथ ना आए, या सपोज आप आज की डेट में कोरोना रोना चल रहा है तो कोई मंत्र जप कर रहे हो तो कोरोना का इतना निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि 5th हाउस जो है वो हीलिंग का भी है, 5th हाउस जो है वो हमारी ह्यूमिनिटी, फर्स्ट हाउस ह्यूमिनिटी का, 5th हाउस पाचन तंत्र को दिखाता है, कहीं ना कहीं से ये भी ह्यूमिनिटी का कारक हो जाता है। तो मंत्र जब अगर किसी देवी देवता का आप कर रहे हैं तो रोग आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, इधर से भी रोग हावी नहीं होंगे, है ना, सब बैलेंस बना रहेगा। क्लियर हो गई सबको, समझ किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, किसी को कोई और डाउट हो तो आप पूछे जल्दी जल्दी। क्लियर है सभी को, चलिए एक एक पचाड़ देते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। सब लोग आप सब सबको जवाब देना है आपको, योरवसी जी के हस्बैंड की कुंडली है आलोक माथुर, ठीक है, ये है कुंडली। अब इसमें बताइए इस व्यक्ति को किस मंदिर में जाना चाहिए, शरीर से जाना चाहिए तो शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। वाह चुपड़ा जी वाह, क्या बात है, किनका मंत्र जप करना है, हनुमान जी का, ठीक है, किसका पाठ करना है, भगवान श्री राम से जुड़े हुए किसी भी ग्रंथ का, या आरती का, या किसी भी तरह की चालीसा का, या किसी भी स्रोत का, इतना ही पकड़ लिया तो भी काम हो गया। और आपको बता दूं, इतना आप पकड़ लोगे लाइफ अपने आप बैलेंस होना चालू हो जाती है हर व्यक्ति की,
कभी कोई कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अननोन आपके पास सारी की सारी चीजें अपने आप रहेंगी। ठीक है स्नेहा जी, आपके समझ में आई पूरी क्लास? हैं जी, चलिए फिर समाप्त करें यहाँ पे क्लास आज की। कल अभी ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रहिएगा लाइन पे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हो जाएगा।